नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे इको के सबसे पॉपुलर तीन वेरिएंट्स को, 7 सीटर, 5 सीटर पेट्रोल के साथ विद एसी और 5 सीटर सीएनजी के साथ एसी। तीनों वेरिएंट बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं दोस्तों। जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वाले वेरिएंट में क्या फीचर मिलते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन में कौन सा फिट बैठता है। सबसे राइट में जो आप देख रहे हो वो सीएनजी के साथ है। जैसे कि आप फ्रंट विंड स्क्रीन पे सीएनजी की बैजिंग भी है, वो सबसे ज़्यादा महंगा है पूरे लाइनअप में। उसकी कीमत रहेगी आपकी 6,51,000 रुपये एक शोरूम। और बीच में जो आप देख रहे हैं 5 सीटर विद एसी, इसकी जो कीमत रहेगी वो रहेगी 5,61,000 रुपये एक शोरूम। और जो 7 सीटर ऑप्शन है वो इनमें सबसे चीपर है, वो रहेगा 5,54,000 रुपये। ऐसा क्यों है? सीटें ज़्यादा मिल रही हैं आपको, बेहतर प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन फिर भी सस्ता है क्योंकि उसमें आपको एसी नहीं मिलता है, ना ही ऑप्शन के तौर पर मिलेगा। जाने की कोशिश करते हैं कौन से वेरिएंट में कौन से फीचर मिलेंगे आपको। सबसे पहले इसका फ्रंट से लुक देखिए। तीनों जो गाड़ियाँ हैं फ्रंट से एग्जैक्टली सेम रहने वाली हैं, कोई भी फर्क नहीं है। सिंपल हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, उसी हाउसिंग इंडिकेटर के लिए बल्ब रहेगा। फॉग लैम्प वगैरह किसी वेरिएंट में आपको मिलेंगे नहीं। देखिए नज़दीक से दिखाते हैं आपको, बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से मार्केट में छाया हुआ है ये, काफ़ी बेहतरीन सिंपलिस्टिक सा लुक है इस गाड़ी का। देखिए एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, कोई भी फर्क नहीं है इसी में। अगर बात की जाए पेट्रोल के साथ तो 19 KMPL की माइलेज का क्लेम किया जाता है कंपनी तरफ से, जो कमेंडेबल जो मानिए दोस्तों। एक कमर्शियल गाड़ी अगर इतनी माइलेज निकालती है पेट्रोल इंजन के साथ, उसकी जो पावर फिगर है 80 BHP पावर बनाता है, वो 105 Nm की आरपी टॉर्क रहती है, तो भी सफिशियंट है। क्योंकि इस गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? ये है रियल व्हील ड्राइव, इसलिए हर प्रकार के रस्ते को ये गाड़ी आसानी से टैकल कर सकती है। हर जगह पॉपुलर है दोस्तों ये, चाहे प्लेन रोड की बात की जाए, चाहे उबड़ खाबड़ रस्तों की बात की जाए, या हिली एरियाज की बात की जाए जहाँ पे आपको स्लोप जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि हमेशा जो पुल फैक्टर है वो कमज़ोर रहता है पुश फैक्टर से। और इस गाड़ी के साथ पुश फैक्टर रियल व्हील ड्राइव जो होती है उसमें पुश फैक्टर होता है, आसानी से वो गाड़ी को आगे की तरफ धकेल देता है बगैर किसी जद्दोजहद के। अब बात की जाए अगर सीएनजी के साथ पावर फिगर की, तो थर्मल एफिशिएंसी सीएनजी इंजन की थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ पे पावर फिगर आपको कम देखने को मिलती है। वहाँ पावर मिलती है 70 BHP की और टॉर्क रही आपकी 95 Nm की। अब सबसे विशेष बात क्या है, फ्यूल टैंक जो है पेट्रोल के साथ यदि आप लेंगे तो 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको 32 लीटर का। यदि सीएनजी की बात की जाए तो लीटर में कैपेसिटी उसकी 65 लीटर की, 65 लीटर अगर पानी की कैपेसिटी की बात की जाए। और सीएनजी अगर डलवाएंगे आप केजी में तो 7-8 KG के आसपास की सीएनजी आती है आपकी, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि पंप में प्रेशर कितना है। 160 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, देखिए हालांकि थोड़ी सी कम दिखाई देगी लेकिन जो गाड़ी की लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से खराब रास्ते को भी ये गाड़ी आपकी टैकल कर सकती है। एक बार साइड से लुक और दिखाते हैं आपका, जो डायमेंशन है चाहे कौन सा भी वर्जन ले लीजिए सभी का सेम है, हाइट विड्थ और लेंथ एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। पीछे वाला जो डोर है वो स्लाइडिंग वाला मिलता है आपको। इसमें जो व्हील बेस रहता है वो रहता है 2350 mm, तो व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब जानते हैं बाकी इस गाड़ी के बारे में और क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ आपकी लोकेबल फ्यूल कैप मिलती है, ये आपका स्लाइडेबल डोर रहने वाला है, मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, इंडिविजुअल डोर लॉक करने पड़ेंगे इसमें, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है किसी भी वेरियंट में, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। और काफ़ी ईजी मूवमेंट है दोस्तों डोर्स की, और देखिए जो कितना ज़बरदस्त वाइड ओपनिंग है, आसानी से गाड़ी के अंदर आप बैठ सकते हैं। इस 7 सीटर की तो ज़बरदस्त काम कर रखा है दोस्तों, आप स्पेस देखिए, नी स्पेस वगैरह कितना ज़बरदस्त है। विनाइल की सीटें मिलती हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखना होगा आपको, गर्मियों में स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके ऊपर आप चाहें तो फैब्रिक का एक कवर लगवा सकते हैं। सभी जो एड्रेस जो फिक्स रहने वाले हैं, यहाँ एक लाइट मिलती है आपको जो मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, देखिए हैलोजन बल्ब के तौर पर, और डोर ओपनिंग के साथ भी ये काम में आ सकती है आपकी। और 7 सीटर वर्जन है, मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ एक बार अंदर बैठ के, कि पीछे जाने की सहूलियत इधर से भी है, लेकिन इधर अगर बंदे पहले से बैठे होंगे तो पीछे तरफ जाने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए जो प्रॉपर तरीका है वो दूसरी तरफ से है। यहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ मिलती है, ये आपका चाइल्ड लॉक रहेगा सेफ्टी के लिए, तो ये जो अपर्चर है ना ये काफ़ी ठीक ठाक है पीछे जाने के लिए। और अंडर थाई स्पेस की अगर बात की जाए सीटों की, तो 5 फुट 10 इंच तक का बंदे को थाई स्पेस के लिए दिक्कत नहीं आएगी, सीट छोटी महसूस नहीं होगी। इससे लंबे यदि आप हैं तो थोड़ा बहुत आपको स्पेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और पीछे भी नी स्पेस की आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों।
लेकिन देखते हैं क्या कोई चैनल वगैरह दे रखा है, नहीं कोई चैनल वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है किसी प्रकार का, तो स्लाइडेबल नहीं है, सीटें फिक्स ही रहेंगी, तो पीछे थोड़े से शॉर्ट जिनकी हाइट है वही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, थोड़ा स्पेस कम महसूस होता है। लेकिन फिर वही बात बोलता हूँ मैं, इस अंडर 4 मीटर में अगर 7 सीटर गाड़ी बना पा रहे हैं कोई कंपनी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो हेड्स ऑफ जाता है उसके लिए। इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं 5 सीटर के साथ कि वहाँ कैसा स्पेस मिल रहा है आपको। तो इसमें थर्ड रो नहीं होगी 5 सीटर में, पीछे वाला जो स्पेस मैं दिखाऊंगा किस काम के लिए है वो। इसमें देखिए 2 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, बीच वाले के नहीं मिलेगा, लेकिन विड्थ अच्छी है गाड़ी की, इसलिए 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। स्पेस पॉइंट उसे कोई समस्या उसको आएगी नहीं। ABS, EBD, सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग, ये सभी चीज़ें मिलती हैं आपको, तो सेफ्टी अब आपका कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं रहती है। सभी गाड़ियों में गवर्नमेंट के नॉर्म उसके हिसाब से खड़ी उतर रही हैं गाड़ियाँ। यहाँ पर भी आपको लोकेबल फ्यूल गेज मिलता है। अब बात करते हैं आपकी CNG वाले वर्जन में, वहाँ क्या चीज़ें मिल रही हैं पीछे वाली सीट पे। अनलॉक कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा मशक्कत वाला काम लगता है, सेंट्रल लॉकिंग मेरे हिसाब से देनी चाहिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी एक्सेस करने में। तो सेम लेआउट है दोस्तों, AC वाला ले लीजिए आप पेट्रोल के साथ, या AC ले लीजिए आप CNG के साथ। स्पेस वगैरह सेम है, सीटें वगैरह सेम है, क्वालिटी वगैरह एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब बात आ जाती है वहाँ पे जो बूट वगैरह है, पीछे का व्यू है, उसको कंपेयर करके देखते हैं तीनों ही गाड़ियों में कैसा रहने वाला है। तो जो पीछे से लुक है देखिए, तीनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। वर्टिकल टेल लाइटें मिलती हैं आपको, अलग अलग हैलोजन बल्ब दे रखे हैं, हेडलाइट ऑन होती है जब जलने के लिए, उसी में आपका हाई माउंट ऊपर की तरफ दे रखा है स्टॉप लैंप, इंडिकेटर के लिए बल्ब और रिवर्स गियर के लिए, और हेडलाइट जब ऑन होती है ना वो तीनों ही बल्ब वर्टिकल आपके टेल लाइट में दे रखे हैं। इको की बैजिंग रहेगी, बाकी कौन सा वेरिएंट है अगर CNG है तो पहचान पाएंगे, एक स्टिकर लगा हुआ CNG का, बाकी और चीज़ आप पहचान नहीं पाएंगे। पीछे डिफरेंशियल देखिए पूरे तरीके से एक्सपोज्ड है, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, प्लास्टिक काफ़ी दे रखा है इस गाड़ी में, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो देखने को मिलेगी आपको, इसलिए तो इसका जो प्राइसिंग है इतनी कम रखी गई है। यहाँ से सेपरेटली आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं बूट को, और यहाँ एक लीवर दिया गया है, इसको जैसे ऊपरी तरफ करेंगे तो बूट आपका ओपन हो जाता है। छोटे मोटे बैग ही रख पाएंगे यहाँ पर, ज़्यादा कुछ बड़ा आप यहाँ रख नहीं पाएंगे, स्पेस लिमिटेड रहने वाला है 7 सीटर में, क्योंकि सीटें एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई कर रखी है दोनों ने, स्पेस तो ले ही लिया है दोस्तों। इसका भी अलग से चाबी से खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुझे बड़ी दिक्कत वाला काम लगता है। ये देख लीजिए यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा पीछे आपको, क्योंकि 2 ही रो हैं सीटों की, और ज़बरदस्त है, यहाँ आराम से आप पलौथी वलौथी बैठ के जा सकते हैं, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस है दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट है ये, कोई लोडिंग लिफ्ट वगैरह भी नहीं है, तो कितना भी लगेज आप रख सकते हैं वीकली ट्रिप के लिए, कोई मशक्कत आपको करनी नहीं पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे 5 सीटर में। ये CNG वाले वेरियंट का स्पेस है, काफ़ी अच्छे तरीके से केजिंग की गई है देखिए CNG सिलेंडर की, वाह भाई वाह, बहुत बेहतरीन काम किया है मारुति ने, बहुत ज़्यादा सुधार किया दोस्तों इन चीज़ों पे, अच्छी फिट एंड फिनिश क्वालिटी महसूस होती है चीज़ों पे। बाकी स्पेस आप लगेज के लिए इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा पीछे तरफ से दिखा देता हूँ मैं, आपको आइडिया लग जाएगा, देख लीजिए सभी गाड़ी में कैसा दिखाई देता है। 7 सीटर में बहुत कम है, 5 सीटरों में दोनों में अच्छा है। हाँ, सिंपल जो 5 सीटर है आपकी पेट्रोल के साथ जिसमें CNG नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा पीछे लगेज रखने के लिए। तो यदि आपका काम इस प्रकार से है, चलना ज़्यादा नहीं है लेकिन जब भी चलना होता है, काफ़ी सारे सामान के साथ चलना होता है, तो 5 सीटर AC के साथ सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में। नॉन AC वाला वर्जन वही कामयाब है दोस्तों, जहाँ पर गर्मियाँ काफ़ी कम रहती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना, तो विदाउट AC तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 50-45 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है नॉर्थ इंडिया में, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं। अब चलते हैं वापस, जहाँ ज़्यादा समय गुजरेगा आपका वो है आपकी ड्राइवर सीट। तो इसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं 2023 में, वो बताने चलता हूँ मैं आपको। ये जो सीटें हैं काफ़ी अच्छे तरीके से लेआउट है, इसके नीचे यदि कोई भी चीज़ आप जैसे सर्विस वगैरह करना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको पुल कीजिए ऊपर की तरफ, ऐसे दोनों तरफ से करेंगे ये, तो आपकी जो सीट है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी मैनुअली करनी पड़ेगी आपको, देखिए यहाँ पर। तो सारे इंजन से रिलेटेड जो काम वगैरह है, इंजन ऑयल वगैरह चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या कोई मेंटेनेंस वगैरह है तो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आसान है बिल्कुल दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से लॉक दिए गए इसमें, बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेसमेंट की गई हर एक चीज़ की, ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। एक बार मैं लॉक कर देता हूँ, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा। सिंपल की मिलती है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है इस पर, लोगों है सिर्फ सुजुकी का। ये नए वाला जो एक्सप्रेसो में स्टेयरिंग व्हील आता था वो आने लग गया अब इसमें, यहाँ से हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं, ये आपका बोनट ऊपर करने के लिए लीवर रहेगा। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो देखते हैं, नहीं
जो स्टेयरिंग व्हील है किसी प्रकार के एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता, वो टिल्ट वगैरह की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ब्राइटअप होता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा दोस्तों, पूरा डिजिटल स्पीड वगैरह, नीचे फ्यूल गेज वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर है, इसके माध्यम से आप अलग अलग सेटिंग देख सकते हैं इसमें। देखिए ट्रिप वगैरह की कितना ऑडोमीटर चली है ये, तो चीज़ें ठीक है। बहुत सारी जानकारी नहीं मिलेंगी दोस्तों क्योंकि कमर्शियल पर्पज के लिए गाड़ी बनाई गई है, तो ज़्यादा फीचर या कंफर्ट की तरफ इसमें रुझान नहीं रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिट एंड फिटनेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रभावित करेगी आपको। देखिए सेवन सीटर में ए सी नहीं मिलता है, सिर्फ ब्लोअर मिलेगा आपको, जो ग्लो बॉक्स है ठीक ठाक है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी इसमें। बहुत ही स्मूथ छोटा सा गियर लीवर है, बिल्कुल जॉकी की तरह 5 स्पीड का, अल्ट्रा स्मूथ है ये। एक 12 वोल्ट का सॉकेट जरूर मिलता है चार्जिंग वगैरह के लिए फोन के आपके, और यहाँ पर यदि आपको सुर वगैरह सीखने हैं तो यहाँ मेंशन किए गए हैं, इसको सीखिए। मुझे तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं भाई इसका। मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा आपका, जो आई आर वी हाथ से ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, कोई इस पर लीवर नहीं दिया गया है। ये आपका येलो बल्ब के साथ डोर ओपनिंग लैम्प, दोनों सनवाइजर पे कुछ नहीं मिलता है, ऊपर वाले का नाम लिख सकते हैं आप, अच्छी बात है, उससे साथ जुड़े रहेंगे। अब चलते हैं 5 सीटर वर्जन की तरफ, वहां देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको। ये चीज एग्जैक्टली सेम रहने वाली है दोस्तों, कुछ भी ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। देखिए सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सभी चीजें चेकअप करता है स्कैन करके कि क्या कुछ है नहीं है इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडलाइट लेवल के लिए, बोनट टॉपर करने के लिए डेड पेडल वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेसिंग बहुत अच्छी है पेडलों के बीच में, सभी मॉडल में सेम रहेंगी। स्पेसिस देखिए आप, हिडन स्पेसिस काफ़ी सारे दिए गए हैं इसमें, और जो नीचे सीटों से आप उठा के जो ऊपर मेंटेनेंस वाला काम है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है सभी मॉडल्स में, यहाँ कोई भी फर्क नहीं है। सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ बैकरेस्ट के लिए है, और ना ही स्टेयरिंग व्हील किसी प्रकार के एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है, ये मैंने बता दिया। एसी वाले के साथ जैसे नॉन एसी में यहाँ पर डमी था, तो एसी के लिए यहाँ पर एसी है, और एसी बहुत अच्छा है दोस्तों इसका, काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा आपको। 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ मिलता है, सेम गियरबॉक्स रहेगा 5 स्पीड का, सेम ये IRVM है, सब कुछ सेम है यहाँ पर। वैनिटी मिरर वगैरह यहाँ पर भी नहीं मिलता है आपको, ये आपका एसी वाला वेरियंट है दोस्तों। दो एयरबैग रहेंगे, एक यहाँ पर देखिए मैंशन कर रखा है, और एक यहाँ पर मैंशन कर रखा है। जो ORVM है वो भी आपको मैनुअली हाथ से ही सेट करने पड़ेंगे, उसमें भी किसी प्रकार के एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं सबसे एक्सपेंसिव CNG वाला वेरिएंट में क्या मिल रहा है आपको। इसमें एक बटन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको कि इसमें आपको फ्लाई बटन मिलता है सीधा शिफ्ट करने के लिए CNG से पेट्रोल पे, ये बाकी वेरिएंट्स में नहीं था क्योंकि वो CNG के साथ नहीं आते हैं। हेडलाइट को लेवल करने के लिए, बोनट ओपन करने के लिए, अब पूछेंगे आपकी इंजन की सेटिंग यहाँ दे रखी है तो बोनट में क्या है, चलो वो दिखाई देता हूँ आपको फाइनली कि उसमें क्या मिल रहा है आपको, बाकी अंदर के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए रेडिएटर के लिए कूलेंट वगैरह यहाँ डाल सकते हैं आप, वाइपर के लिए वाटर डाल सकते हैं, ये देखिए इंजन के लिए कूलेंट यहाँ डलेगा आपका, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक फ्लूड जिसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें बाकी जो जल्दी जल्दी आपकी यूजेबल होती है ना, वो चीज़ें आगे आसानी से एक्सेस करने के लिए दे रखी हैं। बाकी इंजन से रिलेटेड कोई भी काम हो तो सीट को ऊपर की तरफ उठा के और वहाँ से उन चीज़ों को सिरे चढ़ा सकते हैं। डैम्पिंग वगैरह नहीं दी गई किसी वेरियंट में, लेकिन बहुत ही अल्ट्रा रिफाइंड 4 सिलेंडर का इंजन है, इसलिए तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा मार्केट में बिकती है दोस्तों, कि इसके साथ देने के लिए सबसे बड़ी ताकत है वो है इंजन, जो बेहद ही रिलायबल अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आता है। 4 सिलेंडर का इंजन देना इस श्रेणी गाड़ी में काबिल तारीफ बात है दोस्तों। पेडलिंग वगैरह सेम है, कोई फर्क नहीं है वहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 2 गेज दिखाई देंगे, एक पेट्रोल का और एक CNG का, देख लीजिए। राइट साइड में आपके पास किस चीज़ का है, CNG के लिए है, लेफ्ट साइड में आपका पेट्रोल के लिए गेज है दोस्तों, बस यही फर्क है, बाकी सेम टू सेम है। ये रहा आपका AC के लिए पॉइंट यहाँ पर। पिकअप वगैरह जो है CNG के साथ, देखिए पेट्रोल का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा, लेकिन डिसेंट है दोस्तों, क्योंकि माइलेज अच्छी मिलेगी, आप खर्चा बचा पाएंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को चला पाएंगे, तो ओबियसली बात थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ें एक्जैक्टली सेम रहने वाली हैं, कोई भी विंडो पावर की नहीं मिलती है किसी वेरियंट में, ये भी मैनुअली करना पड़ेगा ऊपर नीचे, आपको कोई लीवर वगैरह नहीं दिया गया है, ना ही कोई सनवाइजर पर चीज़ें मिलती हैं आपको, तो सिर्फ सूरजी किरणों से बचाने का काम करेंगे ये, बाकी सुविधा उसमें नहीं दी गई हैं। अगर म्यूजिक सिस्टम आप लगवाते हैं तो स्पीकर यहाँ पर लगवाएंगे सभी वेरिएंट्स में, ये सेम टू सेम रहने वाला है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों, यदि फिर भी आपको लगता है कोई सवाल बच गया है, कोई क्वेश्चन मेरे मन में आपके में उठ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत प्रभाव उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, भविष्य में भी ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।